हेलो स्पेरेंस, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आरबीआई जो है वो अभी उसके सामने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की है कि रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिलहाल न्यूज़ में है एंड यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से आते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा सीधा यहाँ की मॉनिटरी पॉलिसी पे पड़ेगा। और जो मॉनिटरी पॉलिसी है, रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यूपीएससी बार बार पूछता रहता है एंड ये टॉपिक भी वहीं कहीं लिंक्ड है। सो यू शुड नो अबाउट दिस। वील सी वाई न्यूज़, इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है रुपी का, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके चैलेंजेस क्या होंगे मेंस पर्सपेक्टिव से, देन वी हैव आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। सो वाई इज इट इन न्यूज़, जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए आगे परस्यू कर रही है, एक रिपोर्ट जो इंटरनल डिपार्टमेंट ग्रुप ने दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इसने वॉर्न किया है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन अगर हम करेंगे ना, तो इसके पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस होंगे रुपी की वैल्यू पे अर्ली स्टेजेस में, लेटर ऑन जाके स्टेबलाइज होने के चांसेस हैं। अब व्हाट इज दिस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी? सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है ये इंडियन करेंसी की जो यूज है, फिलहाल अगर मानिए कि ये भारत रीजन के अंदर ही ज्यादा यूज होती है, आसपास में ज्यादा होती है, तो ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में ये ज्यादा से ज्यादा यूज हो, लगभग जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें बेसिकली हमारी करेंसी के इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। दिस इज वॉट इंटरनेशनलाइजेशन इज। सो इसमें रुपी की कन्वर्टेबिलिटी इंक्रीज हो, एक्सेबिलिटी हो, अट्रैक्टिव हो ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया, अगर ये जो आइडिया इंटरनेशनलाइजेशन का है ये नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल यही सरकार ला रही है। फर्स्ट 1970 में आरबीआई ने इसको प्रपोज किया था, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे थे कि इसको गवर्नमेंट अप्लाई नहीं कर पाई। हाउएवर रिसेंट ईयर्स में ये इसने दोबारा से मोमेंटम पकड़ा है, स्पेशली जब से 2008 और 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जिसकी वजह से जो यूएस और यूएल डॉलर की जो वल्नरेबिलिटी हुई थी, इसकी वजह से इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। तो हमें दूसरों की करेंसी पे नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जो मसाला बॉन्ड रिलीज होता है मार्केट में, मसाला बॉन्ड बेसिकली रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होता है, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, एंड ये रुपी डोमिनेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। और मोर ओवर जो डिफरेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, वहां पे भी इसकी ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगेगा। अब बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेड को हो सकता है इंक्रीज करे, ये और ज्यादा स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड को अलाउ करेगा, ताकि जो पार्टीज हैं वो आपस में डायरेक्टली केवल रुपीज में ट्रांजेक्ट करना पड़े, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इससे उनका काफी ज्यादा कम हो जाएगा। देन रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन करेंसी, जैसे कि हम अभी भी यूएस डॉलर पे कनेक्टेड हैं, इसके हिसाब से हमारी करेंसी भी फ्लक्चुएट करने लगती है, तो ये इंडिया की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है इसको बढ़ाएगा। मोर ओवर जो ये करेंसी फ्लक्चुएशंस होते हैं, इससे इसके एक्सपोजर से भी बचा के रखेगा। मोर ओवर ये मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इंटरनेशनलाइजेशन जो है इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा, जैसे ज़्यादा इंटरनेशनल रीच मिलेगी। आरबीआई एक टूल और ऐड कर सकता है, एंड दैट टूल इज एक्सचेंज रेट को भी एक तरीके से टूल के रूप में मॉनेटरी पॉलिसी में यूज कर सकते हैं, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए अ न्यू टूल वुड बी एडेड, दैट इज एक्सचेंज रेट टूल। नाउ ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, जैसे मॉनेटरी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखने के लिए। नाउ इट विल स्ट्रेंथन द रीजनल इन्फ्लुएंस, इंडिया की रीजनल इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस करेगा। एज अ मेजर इकोनॉमिक प्लेयर वी आर लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, सो वहां उस इमेज को ये इंडिया को देगा। इट वुड ऑल्सो प्रमोट एंड बेसिकली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी प्रपोज करेगा रीजन में। मोर ओवर आसपास के इलाकों में इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा बिजनेस होने लगेगा। इसके इंडिया के लिए एप्लीकेशन क्या होंगे? सो इंडियन करेंसी को अगर हम एक्सपोज करते हैं, तो जो एक्सटर्नल स्टॉक्स और वोलेटिलिटी है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट कंडीशंस में चेंज होगा, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई जो रुपी की है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो रिड्यूस पॉलिसी अटोनमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। अभी तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन के बाद हमें जो प्राइस स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इन सब के बीच में आरबीआई को मैनेज करना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज, इट विल इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे जैसे ये परस्यू करेगा, तो अच्छी फिशल पॉलिसीज चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ताकि जो फॉरेन स्टेक होल्डर्स हैं जो बाहर से भारत में इन्वेस्ट करेंगे, इनका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बना रहे।
ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ा देगा. वन मोर बेनिफिट वुड बी देयर दैट वुड इट वुड बेसिकली क्रिएट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर्स प्लेयर्स. कॉम्पिटिशन भी मार्केट में इंक्रीज कर देगा और बेसिकली जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इनको ग्लोबल प्लेयर्स के साथ इनोवेशन में, एफिशिएंसी में, रेगुलेशन में, इन सब में कम्पीट करना पड़ेगा. अगर हम एक कोई पॉजिटिव चीज देखें तो इंटरनेशनलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, एक स्टेबल एक्सचेंजेस रेट होंगे, हायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के पास आ जाएंगे, मोर लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स हो जाएंगे क्योंकि रुपी उसमें आप इंजेक्ट करेंगे, मोर इफेक्टिव एलोकेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, ज्यादा इनोवेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा. दीज वुड बी थिंग्स व्हिच वुड हैपन. अब चैलेंजेस क्या है इसमें, क्योंकि चैलेंजेस कैपिटल फ्लाइट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. ये अगर हो सकता है हम इंटरनेशनलाइजेशन को इसको ओपन कर देते हैं तो कैपिटल फ्लाइट, अगर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उनको डाउट है इंडियन करेंसी पे, तो हो सकता है अपना पैसा यहाँ से बाहर ले जाए, तो वो कैपिटल फ्लाइट हो सकता है, उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में आ सकती है. ये करेंसी के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको उसके हिसाब से फिर वो स्ट्रेन हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, चैलेंजेस बनाएगा और फर्दर मॉनिटरी पॉलिसी मैनेज करने के लिए. अगर कैपिटल फ्लाइट हो गई तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. देन एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है, इंटरनेशनलाइजेशन ज़्यादा एक्सपोज कर देगा जो एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशंस होते हैं. सो ये ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को इफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल मार्केट की जो स्टेबिलिटी है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा. अब इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ताकि हम इसके जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट आए उनको मिटिगेट कर सकें टाइम पर. देन कंपीटिंग करेंसीज, अब इंडिया को इंटरनेशनल करेंसीज के साथ कंपीट करना पड़ेगा, जैसे US डॉलर, यूरो, येन. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, मार्केट शेयर ज़्यादा होना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो इन डोमिनेंट करेंसीज को हटा के रुपी को इंजेक्ट करना एक चैलेंज भी है. सो दीज आर द चैलेंजेस. कॉन्फिडेंस एंड परसेप्शन, इंडिया की जो इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इनकी स्टेबिलिटी, कितनी स्टेबल इकोनॉमी है, क्या क्रेडिबिलिटी है. गवर्नमेंट बार बार तो डिमोनेटाइजेशन नहीं करेगी क्योंकि उसका भी इफेक्ट आता है इंटरनेशनल मार्केट पे. एनी परसेप्शन ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी, अगर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसके एरिया में, कहीं सिविल वॉर या कुछ उस टाइप से है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्लो कर देंगी, दे विल इम्पीड इट. नाउ द थिंग इज एडॉप्शन बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स. अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये कन्विंस करना, बिजनेस इंडिविजुअल्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करें, इसके लिए ट्रस्ट चाहिए, फेमिलैरिटी चाहिए, उन्हें कुछ गिफ्ट के तौर पर देना पड़ेगा, एंड कॉन्फिडेंस चाहिए करेंसी में. सो दीज आर द थिंग्स, उनको कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स, ये कुछ चीज़ें होनी पड़ेंगी. अब बिल्डिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग द बेनिफिट्स, ये इसको बेसिकली इसके रुपी को बेनिफिट्स को और अवेयरनेस को, इन सबको ग्लोबली सबको बताना, इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. सो मार्केट का कॉन्फिडेंस चैलेंज है. अगर ओवरऑल देखें, हाई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो जाएगा, लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अटोनमी हो जाएगी क्योंकि एक्सचेंज रेट वगैरह पर भी निर्भर करने लगेगा, एक्सटर्नल स्टॉक से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, हायर फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क होंगे, ज़्यादा स्पेकुलेटिव कैपिटल फ्लोज होंगे, इसको आप एक तरीके से सट्टेबाजी भी आप समझ सकते हैं. जब कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है विद रिस्क कि वो डूब जाए तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज द स्पेकुलेटिव कैपिटल फ्लोज. दिस वुड इंक्रीज अगर ये शुरू होता है तो. मोर ऑफिशियल प्रेशर वुड बी देयर, मोर इनइक्वालिटी वुड बी देयर, सोशल अनरेस्ट कुड बी देयर. सो दीज आर द चैलेंजेस विच वी फेस. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. What is the meaning of internationalization of rupee, allowing the rupee to be used as a reserve currency by other currencies, allowing the rupee to be freely convertible into any foreign currency, allowing the rupee to be used as for trade and investment transactions across the border, allowing rupee to be pegged to a basket of currencies. How many of the above statements are correct? I hope you all can answer it. Type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. What is internationalization of currency? What are the implications and challenges for India in internationalization process of rupee? So you can write it, you if you want you can send it. Hamari test series ek already chal rahi hai. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.